प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, अभी आपने प्रीमियम वीडियो देख लिया हो तो दोस्तों, इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट बनाने के लिए मुझे बोला गया था, तो मैं उसी का इफेक्ट लेकर आया हूँ। जो वैसे तो फोटो पे भी इफेक्ट लगा हुआ था, बट मुझसे बोला गया सिर्फ लाइटिंग्स का इफेक्ट ही देने के लिए। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला लाइटिंग्स का इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि फोटो पे जो इफेक्ट हुआ था वो ग्लो और कुछ ब्लड वाला इफेक्ट था और थोड़ा टाइम लगता उसमें, तो मैंने भी सोचा चलिए सिर्फ लाइटिंग्स का इफेक्ट देना है तो काफ़ी आसान है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सिंपली आपको एडिटिंग बता दो। सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, 9:16 रेसो सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिए, फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हैं सिंपली फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे शैडो टाइप का इस तरह से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा। अब स्क्रीन पर टाइप कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। देन मीडियम जाने के बाद यहाँ से कोई वीडियो से ऑडियो लेना चाहते तो यहाँ से ले लीजिएगा, या फिर ऑडियो से ऑडियो लेना चाहते तो ऑडियो में जाकर ले लीजिएगा। तो मैं ऑडियो में आ गया, यहाँ से कोई भी ऑडियो तब तक के लिए ले लेते हैं। तो मैं तब तक के लिए इसी ऑडियो को ले लेता हूँ, कोई भी ऑडियो में ले लेता हूँ, बस एडिटिंग इफेक्ट बताने के लिए। आप अच्छा सा ऑडियो का यूज़ कीजिएगा जिस पे आपको स्टेटस बनाना हो। अब लास्ट में आइएगा और जितना टाइम तक इस सॉन्ग को रखना चाहते, जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते उतना रखिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा कट कर दीजिएगा। और लास्ट में पिक्चर को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लीजिएगा। इसके बाद स्टार्टिंग में अगर प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिएगा, अगर नीचे से आप शैडो वगैरह देना चाहते तो आप शैडो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो सिंपली ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैं शैडो दूंगा गाइस, क्योंकि नीचे में हमें ब्लैक करना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिल कंपोजिशन एरिया कीजिएगा, कलर में फिल में चले जाइएगा, यहाँ पे ड्यूल कलर को सिलेक्ट कीजिए, व्हाइट वाले को ऊपर कर लीजिए, बीचों बीच ब्लैक वाले को नीचे कर लीजिए, कुछ इस तरह से व्हाइट वाले को यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रांसपेंट कर लीजिएगा, देन ब्लैक वाले को इस तरह से रखिएगा। अभी यहाँ पे काम और कीजिएगा, ये फोटो जो आप लिए हैं इस फोटो को आपको एडजस्ट कर लेना है ऊपर की तरफ, इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देन ये जो रेक्टेंगल है इस पर आइएगा और इसका कलर जो हम एडजस्ट किए थे तो कलर में आपको जाना है और इसे थोड़ा सा ऊपर इस तरह से कर लेना है और इसे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। बस इस तरह से रखिएगा कि नीचे जो फोटो कट रहा है वो दिखे ना, बस ऐसे ही आपको कर लेना है। करने के बाद गए इस शेप को भी आपको लास्ट तक कर लेना है ऐसे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, अदरवाइज आप इमोजी लगाना चाहे तो इमोजी तो टेक्स्ट में भी लगा हुआ है तो यूजर आईडी हम लगा लेते हैं सिंपली YT और यहाँ पे MKSING_1051 ठीक है। अब इसे अलाइन कीजिएगा, रोबोट वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो भी फॉन्ट इसको देना चाहते हो फॉन्ट दीजिएगा और साइज वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसका कलर यहाँ पे सेकेंड व्हाइट रख लेते हैं। देन राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद इसे यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब इसे भी लास्ट तक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में आ जाइएगा, प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लाइन इसका वर्ड क्या है, वो तुम। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वो तुम ठीक है। इतना करने के बाद इसे अलाइन कीजिएगा, रोबोट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक फॉन्ट आपको देना है, उस फॉन्ट का नाम है द फीलिंग ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा आप, यहाँ पे अगर आपके पास होगा तो सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है गाइज तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है द फीलिंग ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द फीलिंग, सर्च करने के बाद आपको लास्ट में TTF लगाना है, फॉन्ट मिल जाएगा, सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको लेने के बाद इसका साइज अगर एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी रखना चाहे। तो मैं यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ जैसे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसे मूव करके नीचे की तरफ ले लेंगे यहाँ पे। या गाइस यहाँ पे मैंने शैडो दिया है, अगर आप शैडो नहीं देते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं शैडो हटाकर फिर से एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। बस एडिटिंग बताने के लिए अच्छे से इस तरह से करना पड़ता है। तो जो मुझे ट्यूटोरियल भेजा गया था उसमें ये वाला जो टेक्स्ट है लाइटिंग्स इफेक्ट वो नीचे था, बट हम अगर चाहे तो मेरे पास ऊपर में स्पेस है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो इस तरह से रख लेंगे, रखने के बाद यहाँ से गाइस बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड एंड शैडो में जाना है, शैडो में जाने के बाद इसे इनेबल कर देना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गाइस यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद इसे आप क्या कीजिएगा, एक और काम मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, जूम वाले पे क्लिक करके इसे इस तरह से वेट जो इसका है इस तरह से बढ़ा दीजिएगा ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक और काम करना है, इस टेक्स्ट के बराबर में आइएगा, एक इमोजी यहाँ से ले लीजिएगा, जो भी इमोजी आप लेना चाहें तो उस इमोजी को आप ले सकते हैं। जैसे मैं तब तक ये वाला इमोजी ले लेता हूँ, इसे अलाइन करेंगे, रोबोट वाले पे क्लिक करेंगे, iOS वाला फॉन्ट ले लेंगे और यहाँ पे इसका साइज जो है टेक्स्ट का उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
कलर में जाकर इसे ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। राइट क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा आगे करते हैं और इसे मूव करके आप जहाँ पे भी रखना चाहे तो रख लीजिए। तो मैं दोनों के बीच में इस तरह से रख लेता हूँ। अब गाइस एक बार फिर से क्लिक करके देख लीजिए फर्स्ट लाइन इसका कहाँ तक है, और ये थोड़ा सा इमोजी हमारा एक्स्ट्रा हो गया तो कट कर देते हैं, यहाँ तक आ रहा है। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, फिर इसे भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। दोनों को कट करने के बाद दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा और इसका एक ठो ग्रुप बना लीजिए। तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब गाइस इस ग्रुप पे आपको इफेक्ट देना है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाइएगा, इफेक्ट में जाने के बाद आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर में जाना है, कलर लाइट में यहाँ पे एक्सपोजर का हमारा सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग में आना है, एक की लगाना है, की लगाने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में जाना है, एक की लगाना है और फिर स्टार्टिंग में आकर इसे पूरा 2 कर दीजिएगा, ठीक है। देन करने के बाद इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे ही रहेगा जैसा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक्सपोजर का क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, मूव इट आउट में चले जाइएगा, यहाँ पे ऑसिलेट करके एक इफेक्ट दिखिए, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, ओपन कीजिए, एंगल को 90 डिग्री पूरा का पूरा रख लीजिएगा, 90 डिग्री यहाँ पे देख सकते हैं। इतना पे रख लेने के बाद फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कीजिएगा और इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, फिर लास्ट में भी जाइएगा और यहाँ पे भी की लगाइएगा। लास्ट में जो की लगाए इसे 1.00 कर लीजिएगा और स्टार्टिंग में जो लगाए हैं उस पर आ जाइएगा और इसे 1.50 रख लीजिएगा, ठीक है, 1.50 रखना है, सॉरी। इसके बाद मैग्नीट्यूड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी एक की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसे 60 कर लीजिएगा, यहाँ पे सही रहेगा 60। और फिर लास्ट में जाकर एक की लगाइए, इसे उतना ही कर दीजिए जितना था, तो 25 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो गया। देन जो नीचे जैसे वैसे छोड़ दीजिएगा, ऑसिलेट पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पे जाइएगा, फिर से आपको मूव इट ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, यहाँ पे स्विंग को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। देन कुछ इस तरह से दिखेगा, स्विंग को सिलेक्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी जो उसे कम करके 2.5 कर लीजिएगा, 0.25 कर मतलब सॉरी 0.25 कर दीजिएगा। एंगल 1 पे क्लिक कीजिए और इसे माइनस में ही 5 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 पे सही रहेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 5। अब एंगल 2 पे क्लिक कीजिए, इसे भी 5 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पे थोड़ा सा और बस ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडिटिंग जो फिनिश हो चुका है, जिसमें आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप जो प्ले करेंगे तो कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये सही लग रहा है, नीचे में जो शैडो हम ब्लैक वाला दे रहे थे तो वो थोड़ा अकॉर्ड लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए फर्स्ट लाइक तो हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे, यहाँ पे कॉपी लेयर करेंगे, देन या जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे जाइएगा और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है उसे प्ले करके सुन लीजिएगा, ही तो थी। तो सिंपली इसे ओपन करेंगे, जो लिखा उसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ही तो थी, ठीक है जी। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है, देन यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अब इमोजी को भी एडजस्ट करना है, तो इमोजी को सिलेक्ट कीजिएगा और इसका चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, या जहाँ पे एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए इसे इस बीच में रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और अगर इमोजी को चेंज करना चाहते हो तो एडिटिंग में जाइएगा, यहाँ से इसे हटा दीजिएगा, दूसरा कोई इमोजी लगाना चाहे तो उसे लगा लीजिएगा, जैसे ये वाला मैंने लगा दिया, देन राइट क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद प्ले करके चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट वाला वर्ड कहाँ तक जा रहा है। तो हल्का सा आगे गए यहाँ पे और इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे क्लिक करके आगे की तरफ खींच लेंगे। तो ये स्टार्टिंग से अगर प्ले करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से गाइस पूरा लाइक स्लैश तक कंप्लीट कर लीजिए। देन कंप्लीट करने के बाद कोई पार्टिकल वीडियो आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, जैसे प्लस पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल वीडियो लगा सकते हैं। मैंने एक पार्टिकल का अलग से फाइल बनाकर रखा है, तो मैं देख लेता हूँ कोई पार्टिकल वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली चलिए तब तक के लिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग पर जाएंगे, लाइटिंग पर क्लिक करेंगे, इसे स्क्रीन कर देंगे। अगर ये पार्टिकल आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। तो ये पार्टिकल आपको जहाँ तक रखना है वहाँ तक रखिएगा और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो प्ले करने पर कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह का कोई भी पार्टिकल आप लगा सकते हैं। मैं इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए तो ऊपर जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो क्लास तक देखने के लिए धन्यवाद।